हनी तुम यहां बैठो, मैं अभी आता नहीं पियोगे? तुम पियोगी? हम छुट्टियों पर आए हों और तुम गाड़ी एक जगह पर रोको, एक ढाबे पर, फिर मुझे जीप में बैठने के लिए कहो, खुद किसी अजनबी आदमी से जाके बात करो, फिर गाड़ी में आके बैठ जाओ और ढाबे की चाय भी ना पियो। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने सोचा किसी बेहतर जगह पर चाय पियेंगे। हिंदी, तुम छुट्टियों पर हो या किसी केस पर? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है और तुम्हें मैं अपसेट नहीं कर सकता। इसका मतलब है तुम किसी केस पर हो। हाँ ठीक है, इसके आगे का सफर तुम अकेले तय करो, मैं यहीं से बस लेंगी। जाने से पहले एक प्याली चाय। इन पहाड़ों, इन वादियों, इस खूबसूरती की खातिर, या वो दिन जो हम लोगों ने यहाँ एक साथ बिताए हैं उनकी खातिर एक प्याली चाय। ओके। मुझे इस केस पर लाने की वजह बता सकते हो? तुम्हारे बिना पहाड़ों पे आना अच्छा नहीं लगता है, भले छुट्टियां हो या केस। सिर्फ यही वजह तो हो नहीं सकती। बाकी जानना चाहती हो? कम सीक्रेट मिशन पर भेजा गया। मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। इस केस का ताल्लुक हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से है, यहाँ के लोगों और तमाम लोगों से और उनकी धार्मिक भावनाओं से। DSQ ने मुझे इस केस के लिए भेजा है, जिसमें मेरी अपनी टीम भी मेरे साथ नहीं आ सकती। मुझे अकेले ये केस करना होगा और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक मैं अपनी रियल आइडेंटिटी, अपना नाम तक नहीं बता सकता हूँ। लेकिन तुम्हें साथ लाने के लिए मैंने ख़ास इजाज़त ली है। इसकी दो वजहें, और दोनों वजहें जज्बाती नहीं। पहली वजह यह है कि तुम अगर मेरे साथ होती हो तो हम लोग एक कपल की तरह दिखाई देंगे जो छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ पर आए हैं, और किसी को शक नहीं होगा कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। दूसरी वजह यह है कि तुम बहुत ही फ्रेंडली किस्म की इंसान हो, तुम लोगों के साथ बहुत आसानी से दोस्ती कर लेती हो। मैं जिन लोगों से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ, तुम उनसे दोस्ती करके मेरे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हो, जिससे इस केस को सॉल्व करने में मुझे आसानी होगी। केस क्या है? वो सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। वापसी की बस में कुछ 10 मिनट बाकी, मैं जीप में बैठा हूँ। अगर तुम फैसला करो मेरे साथ आने का तो आ जाना।
गाड़ी दो दो साहब। हेलो, हाय हेल, आई एम शबाना। दोस्त मुझे प्यार से शब्बो कहते हैं, मगर अफसोस यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है। इट्स सो फनी। मालूम है हिल्स, यहाँ सब लोग अजनबी हैं, जैसे तुम और मैं। बट यू नो हिल्स, आई लव यू, आई लव यू हिल्स, आई लव यू। मालूम है क्यों? बिकॉज यू सो बिग, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी। तुम्हारे सामने दुनिया की हर चीज बहुत छोटी सी है, वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल। यू नो हिल्स, मैं भी तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूँ, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई मुझे मेरे इरादों से डिगा ना सके। मैं आसमान छूना चाहती हूँ हिल्स, लेकिन मुझे कोई ना छू सके। शबा वांट्स टू बी ऑन द टॉप। ये खातून पगला गई है क्या? यहाँ खड़ी है ना, उसके नीचे गहरी खाई है, देख। हल्का सा धक्का दे दू ना, बस इतना सा, तो मर जाएगी। सारी खूबसूरती एक बदबूदार पच्चकले लाश में तब्दील हो जाएगी। एक मिनट में, एक मिनट। पिछले 24 घंटों में आपने सिवाय मौत की कोई दूसरी बात नहीं की, जानते हैं? क्यों, डर लगता तेरे को? हाँ, खास तौर से जब अजनबियों के साथ एक अनजान सफर करना हो तो ज्यादा डर लगता है। कोई हथियार साथ नहीं लाया क्या? हाँ। अच्छा है यार, बहुत तेज धार है। बड़े बड़ों की अतड़िया बाहर निकाल चुकी है। तुम खूनी हो क्या? खूनी नहीं, शिकारी है भाई। बुरा हुआ सरकार का जिसने हमारे खानदानी शौक पे मिट्टी डाल दिया। खरीदा कहाँ से तुमने? मुंगेर से, असली भागलपुरी है। चलो भाई, अब तो मुलाकात होती रहेगी। एक ऐसा चाकू मेरे लिए भी खरीद के लाना। एक्सक्यूज मी। हाँ ससुरा, खिलौना है का? देखिए ना, बड़ा अजीब आदमी है। पहचान हुए अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है और हमसे अपने लिए कीमती सामान मंगवा रहा है। हम दोनों अभी भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं और आप तीसरे अजनबी की बात कर रहे हैं। बड़े अजीब इंसान हैं आप। बाय द वे, हमसे दोस्ती करना इतना आसान नहीं है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। वाह, ससुरी अंग्रेजी में रॉब घाट कर चली गई। कोई बात नहीं, थोड़ा सबर करते हैं। तुमसे तो हम ऐसा दोस्ती करेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए जी महाराज आपके। दुकान तो ठीक चल रही है ना बड़े लाल? बस मालिक की कृपा है जी, आपकी दुआ है। अच्छा, वो लद्दा के हाथ मैंने तुम्हारे लिए एक संदेशा भिजवाया था, मिल गया था ना तुम्हें? हाँ मिल गया था जी। कब तक रुक रहे हैं आप? यही कोई 15-20 दिन तो रुकेंगे ही। 15-20 दिन? महाराज मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता देना जी। हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। पर आपके साथ इस बार फॉरनर कोई भी नहीं है, सारे यहीं के हैं। तो क्यों चिंता कर रहा है? अंग्रेजों से मिलने वाली बख्शीश मैं तुझे दे दूंगा। मार्केट में कोई अंग्रेज मिले तो आपका पता दे दूं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ठीक है। गाड़ी से उतरी नहीं आप? कुछ खाया भी नहीं आपने? नहीं, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। तो आप बाहर आइए ना, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, आपको अच्छा लगेगा। नो इट्स ओके। By the way, I'm Kunal Kashyap. You can call me KK. What's your name? Tanya Singh. Tanya Singh? Tanya ji, क्या पियेंगी आप? मैं अभी आपको लाके देता हूँ ना। बस एक कोल्ड ड्रिंक भिजवा देंगे आप? Sure. एक सेकंड। जी? एक फेवर और करेंगे? सामने की सीट नीचे मेरा बैग पड़ा हुआ है, उसमें एक किताब पड़ी है, वो निकाल देंगे? Sure. पढ़ती बहुत है आप। लगता है चश्मा इसी वजह से लगाया आपको। ये लीजिए। थैंक यू। आपकी खूबसूरत आंखों को एक बार बिना चश्मे के जरूर देखना चाहूंगा मैं। मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ।
स्ट्रेंज। तुम में से कोई एक जल्द ही मारा जाएगा। देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये किसी का घटिया मजाक है और कुछ नहीं। आप लोगों को किसी को कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है किताब में पर्ची लगाने की हरकत राशिद खान की है, जिसे हम अपने साथ लेकर नहीं आए हैं। चलिए प्लीज, आप सब लोग गाड़ी में बैठिए। चलिए प्लीज, जल्दी जल्दी बैठिए। इसमें लिखा था कि इनमें से कोई एक मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा महाराज? कोई मरेगा जिए, हमें क्या लेना देना। चल तो बड़ा काम कर, चल। MH महाराष्ट्र। अब एक गाड़ी और सामान दोनों चेक करना। चलिए नीचे उतरिए, आप तलाशी होगी। एमजी तलाशी? कहाँ से आ रहे हैं आप? मुंबई से। अरे भाई, तुम लोग तलाशी शुरू करो ना, चलो। क्या इंस्पेक्टर साहब, कोई वारदात हो गई? हाँ, ये मुंबई से आप इसी गाड़ी में आ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, किस लिए आए? छुट्टियां बिताने के लिए आए। छुट्टियां? लेकिन टूरिस्टों का सीजन तो खत्म हो गया। हमारी छुट्टियां इसी वक्त होती हैं। हाँ, कहाँ काम करते हैं आप? मुंबई में। मुंबई, कितने दिनों के लिए आए हो? ये कोई 7-8 दिन के लिए। कहाँ ठहरोगे? बुकिंग तो नहीं की है हमने कोई, लेकिन जो भी अच्छा होटल दिखेगा वहाँ रह लेंगे। क्या नाम क्या आपका? दयाशंकर शुक्ला। और इनका? मालती शुक्ला। आप हो गया तलाशी? हाँ जी, हो गया जी। सब ठीक है? सब ठीक है जी। महाराज जी, गाड़ी तो पूरी चेक होगी पर डिक्की रहेगी। डिक्की खोलो जी। हवलदार साहब, जीप की डिक्की तो नहीं होती। जाने दो इन्हें, ड्रम उठाओ। ये आपने बताया नहीं इंस्पेक्टर साहब के, खतरा किस चीज़ का है? नहीं नहीं, आपको कोई खतरा नहीं है, मामला कॉन्फिडेंशियल है, आप लोग जाइए। आई सी, थैंक यू। ओके, कम। हिंदी, तुमने अपना सही नाम भी नहीं बताया और आईडी कार्ड भी नहीं दिखाया, क्यों? सीक्रेट मिशन की वजह से? महाराज एक बात पूछो। हाँ पूछो। मुझे जीप की डिक्की किधर होती है? एमडी गाड़ी रोको। क्यों? मैंने कहा ना गाड़ी रोको। क्यों? एमडी यहाँ गाड़ी रोको बस। इंजन बंद करो। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी गाड़ी की तलाशी ली गई लेकिन तुम्हारी पिस्तौल नहीं मिली, कहाँ छुपाई तुमने पिस्तौल? ये पूछने के लिए तुमने गाड़ी रुकवाई है? एक सीक्रेट जगह पर रखी हुई है पिस्तौल मैंने। एमडी, मैं तुम्हारे साथ इस मिशन पे हूँ ना? ऑफ कोर्स हो। तो फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि तुमने पिस्तौल कहाँ रखी है। ओके, कम। ऐसा है मानी कि पुलिस गाड़ी को पूरी तरह से चेक करती है, डिक्की चेक करती है, अंदर से गाड़ी चेक करती है, इंसान को ऊपर से नीचे तक चेक करती है, लेकिन बॉनेट खोल के कभी नहीं देखती है। यू सी, स्मॉल वीकनेस ऑफ पुलिस। हाजिर आइए।
आपका नाम? तान्या सिंह। तान्या सिंह। और आपका नाम? केके। केके। आपका नाम क्या है? सिमी। सिमी। और आपका नाम क्या है? शैंकी। शैंकी। आपका नाम क्या है? जालिम लखनवी। जालिम लखनवी। आपका नाम क्या है? शबाना। शबाना। और आपका नाम क्या है? बिहारी। बिहारी। और आपका नाम क्या है साहब? डॉक्टर गोरे। डॉक्टर गोरे। ये इतने सारे हथियार लेकर कहाँ जा रहे हो? हम लोग जंगल में कैंप लगाने वाले हैं, वहीं टेंट लगा के रहेंगे, इससे अपनी सुरक्षा के लिए हथियार ले जा रहे हैं। ये कहानी किसी और को सुनाना। हेलो, जरा एसपी साहब को फोन देना। हाँ नमस्ते सर, सर इंस्पेक्टर आर के पांडे बोल रहा हूँ। सर सिमसा चेक पोस्ट पे अभी अभी एक गाड़ी में से हमने कुछ हथियार पकड़े हैं सर। जी गाड़ी का नंबर है DL1Y5123। जी सफ़ेद रंग की सुमो है सर। जी जी आठ लोग हैं सर, पांच आदमी हैं और तीन लड़कियां हैं। जी डॉक्टर गोरे। ओके सर। ए आप में से गोरे कौन है? मैं हूँ डॉक्टर गोरे, सामान उठा लो। हाँ बताया था आपने अपना नाम, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपके पास परमिशन है इस कैंप की? वो आपकी तसल्ली के लिए जरूरी था। लेकिन आप तो पांच और तीन आठ लोग हैं ना, नौ लोग आने वाले थे। वो नहीं आया। कौन, क्या नाम है उसका? राशिद खान। राशिद खान। उसके बाद में आने कोई उम्मीद? नहीं कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं, ठीक है जा सकते हैं आप लोग। हवलदार जाने दो इन्हें। थैंक यू सर। ओके भाई साहब, यहाँ एक सफेद रंग की सुमो आई थी जिसमें पांच आदमी तीन लड़कियां और एक ड्राइवर है। जी? एक सुमो सफेद रंग की जिसमें पांच आदमी तीन लड़कियां और एक ड्राइवर है। हाँ हाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गई, इस तरफ गई। मनाली की तरफ। हाँ मनाली की तरफ। थैंक यू। तुम पूछ रहे थे ना सफेद गड्डी में जो लोग आए थे उनमें से कौन मरेगा? कौन मरेगा महाराज? ये तो नहीं बता सकता कि उनमें से कौन मरेगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि उनको मारेगा कौन। कौन मारेगा महाराज? ये जो गया ना दाढ़ी वाला, ये मारेगा। ये मारेगा? हाँ। फाइव वन टू थ्री दिल्ली। राशिद से बच के कहाँ जाओगे? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेंजर्स क्लब क्या है जिसके आप लोग अभी अभी मेंबर बने। ये क्लब एक जरिया है दुनिया से दुश्मनी खत्म करने का। दुनिया के किसी भी कोने में बसे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग इस क्लब के मेंबर बन सकते हैं और अजनबियों को अपना दोस्त बना सकते हैं। यह क्लब उन लोगों के लिए है जो खुद को अकेला महसूस करते हैं, जिन्हें सच्चे दोस्तों की तलाश है, जो अपने आइडियाज व्यूज शेयर करना चाहते हैं, जो एडवेंचरस है, जिंदगी की डेली रूटीन से तंग आकर कुछ नया करना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लब के मेंबर बने, ये विचार दुनिया के कोने कोने में फैले, ताकि आने वाले कुछ सालों में ये सारी दुनिया एक दूसरे की सच्ची दोस्त हो, इस सारी दुनिया से दुश्मनी का नामो निशान मिट जाए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के अंदर वो तड़प, वो ललक, वो इच्छा शक्ति देखी है
जिसके बल पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे। ये जंगल में हमें कैंप लगाना है वो यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर है। जंगल के लिए हम लोग कल सुबह निकलेंगे। इन 15 दिनों के कैंप में आप लोग तरह तरह के अनुभव से गुजरेंगे और पाएंगे कि किस तरह अजनबी लोग एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन जाते हैं। इन 15 दिनों के बाद आप खुद में और इस दुनिया में एक नई तब्दीली पाएंगे। अब अगर आप लोगों को मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइफ में कोई और एम्बिशन नहीं है आपका? नहीं। वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है? फिलहाल तो कोई नहीं है। आपने कभी शादी करने या करोड़पति बनने का सपना नहीं देखा? मेरे अनुसार सपने देखना भ्रम एवं मिथ्या मात्र है। ओ। जिंदगी में किसी औरत ने कभी आपको अट्रैक्ट नहीं किया? नहीं। फ्रेंड्स, मुंबई से आप लोगों को चले हुए और आपस में मिले हुए 48 घंटे हो गए। इन 48 घंटों में आप लोगों को कैसा लगा यह मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। हाजरीन, हम अपने अनुभव को एक शेर में कहना चाहेंगे। जरूर। अर्ज करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। जोश में होश खोकर ऐसी जिंदगी पाई है, एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। बहुत अच्छा। आप वेरी रोमांटिक। जिंदगी से मोहब्बत होने लगी है। या आई थिंक आई एम डिस्कवरिंग माई सेल्फ इन अ बेटर वे, फीलिंग कॉन्फिडेंट बट स्ट्रेंज। हम अपने अंदर बहुत रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। आई लाइक इट। जिस सफर में मौत एक चैलेंज बनकर सामने खड़ी हो, इट एक्साइट्स मी। गुड। और आप? मैंने एंजॉय तो किया है पर मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? सफर के बीच में मौत की धमकी क्या काफी नहीं है? डरने की बात तो है ही, अगर हम में से कोई एक वाकई मर गया तो? और मरने वाले को बचाने का रास्ता भी नहीं। क्योंकि हम सभी अजनबी हैं। कौन जाने मारने वाला हम में से कोई एक हो। नमस्ते महाराज। आओ लगता हूँ। महाराज सारा इंतजाम हो गया जी। हाँ, हम लोग ठीक है, यहाँ से 9 बजे निकलेंगे। ठीक है महाराज। अच्छा ये बताओ, हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लग जाएगा? महाराज ये तो बताओ कि जंगल में कौन सी ठिकाने जाना है आपको? वही हिडम्मा मंदिर के पीछे 3 किलोमीटर वाले एरिया में। क्या बात कर रहे हो महाराज, वो जंगल तो बहुत खतरनाक है महाराज। महाराज वहाँ इंसान तो क्या शैतान भी जाने से घबराते हैं। आप वहाँ रहेंगे महाराज? हाँ, हम लोग वहाँ टेंट लगा कर रहेंगे। तो जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, इसीलिए हमने वो जगह चुनी है। तो भैया बताओ वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? महाराज वहाँ पहुँचने में लगेंगे तो 3 घंटे, लेकिन एक बात बता दूँ महाराज, महाराज 4 महीने पहले 2 अंग्रेजों की लाशें मिली थी वहाँ पर। महाराज आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? तुमसे जो कहा गया वही करो, ये मुफ्त में सलामत दो मुझे। ठीक है महाराज, लेकिन यहाँ महाराज आस पास भी तो काफी जंगल थे, आप वहीं कहीं टेंट लगा लेते महाराज। अच्छा तो नीचे जाके सब इंतजाम कर ले, और सुन सुबह जरा समय से आ जाना। ठीक है महाराज। और हाँ, हम लोग उस जंगल में कैंप लगा कर रह रहे, इस बात की चर्चा बाहर किसी से मत करना। ठीक है महाराज। अच्छा महाराज,
रहा जिगने? यहाँ किसका रहता आग रहा है? के नाम है मेरा। वो काली पट्टी वाली लड़की को देखे हो क्या? नहीं, ये चाकू हाथ में लिए क्यों घूम रहे हो? तुमको पसंद है ना, लो रख लो। नहीं नहीं, तुम ही रखो इसे। देखिए, इसकी जरूरत यहाँ कभी ना कभी सबको पड़ सकती है, समझे? मतलब वो चीट वाली बात भूल गए का, जो तुम्हारी वाली ये किताब से निकला था? मेरे वाली? कौन सी मेरे वाली? देखो, हमारी नजर इस चाकू के धार से भी बहुत तेज है। बहुत रंगीन तबीयत के लगते हो। हाँ? चलो, खोई तो है जो यहाँ मिला। तुम्हें यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अरे भैया, स्ट्रेंजर्स क्लब है तो माहौल तो अजीब होगा ही। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर पीते हो? कभी कभी। तो आओ, हो जाए। हाँ, आ जा। कहे भैया, रुक काहे गए? सोच रहा हूं कहीं वो चट वाली बात आज ही रात ना सच हो जाए। जय 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 गुरुदेव की नाई। भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 गुरुदेव की नाई। ए जालिम, तेरे पास आफ्टर शेव लोशन है क्या? देख, कट गया। फिट करिए हमारे पास। दू? है, रहने दे, थोड़ी देर में सूख के बंद हो जाएगा। आई लाइक इट। चेहरे पर एक निशान, एन ओरिजिनल टैटू। जानते हो, लड़कियों को मर्द के चेहरे पर ऐसे निशान बहुत पसंद आते हैं। तेरे भी बना दू? बहुत अजीब आदमी है आप। क्यों? हटाइए इसे। डर गया। सच सच बताइए, वो चश्मे वाली लड़की की किताब में मौत की पर्ची आपने रखी थी ना? आई लाइक टफ गाइज, यू नो, रफ एंड टफ, जिन्हें अपनी कोई परवाही नहीं होती। A little arrogance makes a man look wonderful. चिकने चुपड़े आदमियों से मुझे बड़ी नफरत होती है। बड़े लिजलिजी और घिनौने लगते हैं मुझे वो। I just hate them. तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरे हैं यूं तो दो तीन, लेकिन स्टेडी रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है। सिगरेट? नो थैंक्स। कभी नहीं पी? नहीं, सिगरेट और धुआं से मुझे एलर्जी है। ओह, तो मैं खिड़की खोल देती हूँ। बट यू नो, यू मिसिंग ग्रेट फन इन लाइफ। मैंने जब पहली बार सिगरेट पी तो शायद मैं 13 साल की थी। यू फ्रॉम? मुंबई। ओह, पेरेंट्स भी वहीं पे? हाँ, और तुम्हारे? मेरे पेरेंट्स जम्मू में हैं, मुंबई में मैं अकेली रहती हूँ। यू नो, आई एम अ फ्री बर्ड। वहाँ काम क्या करती हो? मैं एक बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ। पर लड़कियों के लिए काम खतरनाक और मुश्किल नहीं है? हाँ है, इसीलिए तो मैंने ये काम चुना है। यू नो, जब मैंने अपने पापा के कैमरा से पहली बार फोटोग्राफ खींची थी तो मैं सिर्फ 5 साल की थी। मैंने अपने डॉगी और उसके पपी की एक फोटो खींची थी और उसी फोटोग्राफ ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं फोटोग्राफी को ही अपना प्रोफेशन बनाऊं। बाय द वे, व्हाट डू यू डू? ज्योग्राफी में मास्टर्स डिग्री की है मैंने। डैडी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्हें हेल्प करती हूँ। होपलेस,
There's no thrill in your life. यहाँ कैसे आ गई? Actually, मम्मी डैडी ऑस्ट्रेलिया गए हैं एक महीने के लिए. घर में अकेले डर लगता है. नेचर की स्टडी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोचा ये क्लब ज्वाइन कर लूँ. फिर तो अपने यहाँ आने के डिसीजन पे बहुत पछता रही होगी तुम. हाँ, I'm very scared. सोचती हूँ लौट जाऊँ. हाँ, हैरान तो मैं भी हूँ कि आखिर वो चिट तुम्हारी बुक में से क्यों मिली. प्लीज इसके बारे में जिक्र ना करो तो. ओके, एज यू विश, लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स. सिमी कहाँ गई? पता नहीं, यहाँ बाथरूम में थी, फिर कहीं बाहर चली गई नहा धोकर. सारा बाथरूम गीला कर दिया. शबु, तुम 5 मिनट के जरा बाहर जाओगे मुझे चेंज करना? हाँ तो भाई कर लो चेंज, मुझसे क्या शर्माना. प्लीज. देखो भाई, बाहर बहुत ठंड है इसलिए बाहर तो मैं जाऊंगी. हाँ तुम कहो तो मैं ये लाइट जरूर ऑफ कर सकती हूँ. कर लो चेंज. शबु, कहीं ये चिट तुमने तो नहीं भेजी? कौन है? वो खाना लग गया महाराज. ठीक है. चीयर्स. चीयर्स. लीजिए लीजिए. अरे भाई, कॉलेज में लड़कियां इतनी दीवानी थी हम पर, हम का कहें. अब बिलीव कीजिएगा कि एक ससुर एक लड़की ने तो जहर ही खा लिया. अब हम किसका किसका हाथ थामते भाई? अब पुरानी बातें छोड़ो बिहारी बाबू, जो सामने है उसकी बात करो. अब तुम्हारे कॉलेज के जमाने में लड़कियां तुम पर मरती थी या तुम लड़कियों पर, इसके बारे में मुझे क्या पता. अब क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं जी? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कम झूठ बोल रहे हैं, हम कोई शेखी बना रहे हैं का? ये बात नहीं है बिहारी बाबू. तो बैठिए ना. हाँ, हो सकता है जो कुछ भी आप कह रहे हो वो सच हो. हाँ, ये हो सकता है. अरे क्या मतलब है आपका जी? अरे जाके रांची यूनिवर्सिटी में पूछिए, वहां आपको पता है. हाँ, आप जाके वहां मेरा नाम लेके देखिए, फिर का तमाशा होता है आपको सब पता चल जाएगा. अरे साहब, ये जो पोनीटेल है ना, पोनीटेल है, इसका स्टाइल हमने वहां चलाया. ओ हाँ. और ससुरा जींस, ये जींस का होता है किसी को कुछ भी पता नहीं था. हाँ, हमने उनको बताया और अब हीरो बन के घूम रहे. बिहारी बाबू, आप बात बदल रहे हैं. बात लड़कियों की हो रही है. तो कीजिए ना, कीजिए ना. हाँ देखिए साहब, लड़कियों के मामले में हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है. ऐसी बात है? हाँ बिहारी बाबू, शर्त लगा लो, तनु को सिर्फ मैं पटाऊंगा. अरे जाइए जाइए साहब, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, समझे? वरना कहीं दिल टूट गया ना तो बहुत पछताई. मतलब? मतलब ये कि उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए. ओ, आपको पता है सारा रास्ता तो वो हमको लाइन मारते जाएगी. हर एक हम है उसको लिफ्ट ही नहीं दी. अरे लीजिए भाई, सब रखा हुआ ऐसी है ना. अगर ऐसी बात है बिहारी बाबू तो शर्त लगा लीजिए. लगा लीजिए. अगर तुमने तनु को पटा लिया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा. बोलो, मंजूर है? मंजूर है. और अगर तुमने उसे पटा दिया तो हम अपना दाढ़ी और मूंछ दोनों मुड़वा लेंगे, यहां तक कि अपना सर भी छिलवा लेंगे. समझा? डन. डन. बिहारी, ये तनु की किताब में मौत की खबर वाली चिट तुमने तो नहीं रखी? ये रख ले और किसी को कुछ बताना मत. वो
मुझे पसंद नहीं। अच्छा खाइए खाइए। और क्या?